नमस्कार। खेतसँ खलिहान तक, घरसँ बजार तक, आवाजविहीनक आवाज 24 घण्टा निरन्तर अहाँ सभक सङ्ग ई अछि कृषि टेलिभिजनके नियमित कार्यक्रम मधेश दर्पण आ हम छी प्रवीण। तऽ दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मधेश दर्पणमे खास कऽ कऽ किसानक विषयवस्तुपर चर्चा परिचर्चा करैत आबि रहल छी। ओना गीत सङ्गीत, राजनीतिक बातचीत लगायतके सेहो, ओहिठामके सामाजिक भाषा, साहित्य, संस्कृति लगायतके विषयपर सेहो चर्चा परिचर्चा हमसभ करबे करै छी। मुदा प्राथमिकता दैत किसानक विषयवस्तुपर बेसी गहन रूपसँ छलफल आ जानकारीसभ दैत रहै छी। ताहि सन्दर्भमे आजुक कार्यक्रममे केन्द्रीय तरकारी बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा प्याजक आ कोबीके केहन तरहक बीजसभ उत्पादन कऽ रहल छैक, जाहिसँ आम किसानसभके नीक उत्पादन भऽ सकैत छैक आ ओहिसँ आम किसानसभके अत्यधिक लाभ सेहो भऽ सकैत छैक, तेहन तरहक बीजपर हमसभ चर्चा परिचर्चा कऽ रहल छी। खास कऽ कऽ एकमात्र कहल जाय अनुसन्धानके रूपमे, प्रयोगशालाके रूपमे, तरकारीके बीज उत्पादन केन्द्रके रूपमे अवस्थित खुमलटार ललितपुरमे मात्र अछि। ओना देशके विभिन्न जगहपर एकर परीक्षण करबाक लेल जे अन्य कृषि फार्मसभ छै, ओतय एकर जे छै परीक्षण होइत रहैत छैक। परीक्षण भेलाके बाद जखन नीक उत्पादन देबाक लेल तैयार होइ छै बीज, तखन मात्र आम किसानसभ लेल पठाओल जाइत छैक। तऽ दर्शकवृन्द, प्रस्तुत अछि आजुक कार्यक्रममे प्याजक खेती आ कोबीके खेती कोना कयल जाय, केहन तरीकासँ कयलासँ नीक उत्पादन भऽ सकैत छैक, ताहिपर एकटा विशेष रिपोर्ट। नेपालमे तरकारी खेती करबाक लेल खास कऽ कऽ कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत तरकारी विकास निर्देशनालय सेहो रहल अछि। तरकारी विकास निर्देशनालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आलू विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम, केन्द्रीय तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र लगायतके रहल अछि। ईसभ व्यावसायिक कृषि अथवा व्यावसायिक तरकारी उत्पादन केना कयल जाय, ताहिपर केन्द्रित रहैत अछि। बीजके जाति अगर नीक होय तऽ स्वाभाविक रूपसँ उत्पादन बेसी होइत छैक। उत्पादन बढ़ेबाक लेल नीक बीज प्रयोग केनाइ जरूरी होइत छैक। ताहि सन्दर्भमे आजुक कार्यक्रममे हमसभ विविध बालीसभमे, जेना एखन प्याजके खेती बीज उत्पादन केना कयल जाय से विशेष रूपसँ एहिठाम देखा रहल छी। अपनेसभ एखन देख रहल छी जे प्याजके केना कऽ बेरना तैयार कयल गेल छै आओर बीज उत्पादनके लेल तैयारी भऽ रहल छैक। एकर निश्चित रूपमे हमसभ विविध पक्षके बारेमे जानकारी दैत रहब। ई एखन तैयारीके स्वरूप बीज उत्पादनके लेल कोना कयल जाय प्याजके से एहिठाम देखाइ दऽ रहल अछि। प्याजमे माटि केहन छै ओहिपर निर्भर करै छै पानिक मात्रा, आ पानि सेहो जे छै कखनो बेसी या कम भेलासँ सेहो प्याजके बीज उत्पादनमे समस्या होइत छैक। ताहि दुआरे कतेक पानि चाही ओहि अनुसार एहिठाम शीतल थोपा प्रणालीके प्रयोग करैत प्याजके बीजके उत्पादन तैयारी कयल जा रहल छैक, जाहिसँ नीक उत्पादन भऽ सकतै आ नीक बीज तैयार भऽ सकैत छैक। शीतल थोपा अर्थात जमीनमे कतेक पानि चाही, कोन रूपमे चाही, केना कऽ चाही, ताहिके लेल ई विविध तरीकासँ पाइपसभके बिछा कऽ ओहिमेसँ अपने ऑटोमेटिक रूपसँ जे छै अपने आप कतेक पानि चाही जस्ट ओतबे पानि जे छै फेंकैत रहै छै आ जमीन ओहिसँ जे छै से भिजल रहैत छैक। जमीन जँ भिजल रहतै तऽ निश्चित रूपमे बीजके लेल नीक रहै छै। आ माटि अनुसार कतौ बालुई माटि रहै छै, कतौ जे छै से चिकनी माटि रहै छै, कतौ दोमट माटि रहै छै, तऽ ओहनमे पानि कतौ जे छै से कम कतौ बेसी, अर्थात बालुई माटिमे पानि बेसी सूखैत छैक तऽ ओहिठाम बेसी पानिके आवश्यकता पड़ै छै। प्याजके बीजके लेल बेरना जे तैयार कयल जाइ छै ओकर विभिन्न तरीका छै, खुल्ला आ ई जे छै से पुआरसँ झाँपल सेहो छैक, तऽ जाहिसँ माटिमे गर्मी कम होय आ माटि भिजल रहैक, शीतलता रहैक, ताहि दुआरे पुआर बिछा कऽ आ एहिके ऊपरसँ पानि देल जाइत छै, जाहिसँ जमीन माटि जे छै से गिलगर होय, भिजल रहैक, जाहिसँ बीज तैयार होइमे नीक रहै छै आ उत्पादन बढ़िआँ दैवला नीक बीजसभके उत्पादन होइत छैक एहिठामसँ। आ इएह बीजसभ जे छै एहिठामसँ तैयार कऽ कऽ
देशभर के किसान सबके लिए पठाओल जाए छे, जैसे उत्पादन में वृद्धि होइत छे आम किसान के। मिर्चाई के बीज उत्पादन के लिए तैयारी कैल जा रहा है, जैसे एकरा सुखा कर और इमें से जो बीज तैयार हेते वो बीज किसान के लिए तैयार कैल जेते और बाजार में बिक्री वितरण हेते, जैसे नीक उत्पादन भ सके छे। बीज उत्पादन के तैयारी खास कर मिर्चाई के विभिन्न होइ छे, ओहि में से ई सब एकटा देख रहल छी अपने सब। नीक उत्पादन के लिए नीक बीज चाही और नीक बीज जखन रहते तखन मात्र किसान सब नीक उत्पादन क के बाजार में पठा सकते। तो दर्शकवृंद, कार्यक्रम में अखन लैत छी एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम। अहाँ सब कतौ नहि जायब, देखैत रहू कृषि टेलीविजन। हिजो मात्रै बिछाजी हाल्नु भएको होइन कि खाएर परिवारलाई मारी बिचार गर्नुभयो? अरे राम, अरे राम, अरे राम, आफूलाई खानु भएन क्या रे, बजारमा लानु त हो नि आफूलाई खानु त। ओ पल्लो प्लटमा रोपिया छु, एक थोप बिसाइदिहाले छ, म पनि कम बाटो छु र तपाईँको सोच देखेर किन के गर्नु र मैले आफ्नो ज्यान र अर्काको ज्यान एउटै होइन र। म यो कुरा सबैलाई भन्दैछु, हल्ला नगर न नानी, गल्ती भयो क्या। ल अबदेखि यस्तो नगर्नुहोस् है त। तर धर्म गर्दिन, यो पिसाजी छरिसकेपछि टिपेर खान, बजारमा लान, पर्खनु पर्ने दिन राम्ररी पालना गर्छु। पक्का? पक्का। तपाईँ हामी पनि विषादी छरेपछि टिपेर खान पर्खनु पर्ने दिन कुरौँ, आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र। व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत अछि कार्यक्रम मधेश दर्पणमे। आ एखन अपने सबके तरकारीके खेतीके सम्बन्धमे चर्चा परिचर्चा कऽ रहल छी। खास कऽ कऽ अपने सबके की जानकारी हम दऽ रहल छी जे नीक जातिक बीज अगर हमसब खेतमे लगाबी तऽ अवश्य नीक उत्पादन भऽ सकै छै। तऽ बीज अबै छै कतऽसँ, ताहिपर हमसब चर्चा परिचर्चाके आजुक कार्यक्रममे समावेश कयने छी। आ सँगै कृषि प्राविधिकके रूपमे जे छै से बिरबल चौधरीसँ कयल बातचीत सेहो अपने सबके प्रस्तुत करब। तऽ देखल जाउ ई रिपोर्ट। कोबीके विभिन्न जाति होइत छै, जाहिमे ई जे छै से चिल्लीसँ आयल बीज छियै आओर एकर उत्पादन एहि बीजके कोबीके एहि बीजके उत्पादन जापानमे भेल छै मुख्य रूपसँ, ताकि एंड कम्पनीके द्वारा तैयार कऽ कऽ आ नेपाल सीड कम्पनीके लेल से एकर बिक्री वितरण नेपालक लेल जे छै इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कहि कऽ नेपालमे केने छै। एकर जे छै से नीक क्वालिटी होइ छै आ 90%-99% तक जे छै शुद्ध आओर नीक उत्पादन दैवला कोबी मानल जाइ छै एकरा। तऽ ई चिली ओरिएन्टेड ओरिजिन भेल ई कोबीके फल एहन गसगर आ नीक उत्पादन दैवला होइ छै, जकर ई बीज एहिठाम उत्पादन भऽ रहल छै। तऽ अपने सबके हम ई बीजके सम्बन्धमे देखेलहुँ, तहिना कोबीके आओर दोसर प्रजाति सबके सम्बन्धमे सेहो अपने सबके देखायब। इहो जे छै बन्धा कोबीके बीजके उत्पादनके लेल खास कऽ कऽ जापानसँ आयात कयल गेल, एकर ओरिजिन इटली छियै। इटलीके मुख्य रूपसँ ओहिठामके नीक उत्पादन होइवला बन्धा कोबी छियै ई, आओर एकर बीजके जे छै से उत्पादन कऽ कऽ जापानके द्वारा नेपाल सीड कम्पनीके लेल पठाओल गेल छै, जकर एखन बीज तैयारी कऽ कऽ आ एहिठाम फर्टिलाइज कऽ कऽ बीज तैयार करबाक लेल से तैयारी भऽ रहल छै। आओर निश्चित रूपमे एकर बीजके उत्पादन जे छै से अत्यधिक होइत देखल गेल छै, आ खास कऽ कऽ ओहन विषादीसब जे मानव स्वास्थ्यके लेल हानिकारक नहि होइ, तेहन विषादीके प्रयोग कऽ कऽ तखन बीज उत्पादन भऽ रहल जानकारीमे
कोबी के खेती कोना कैल जाए, ओकर बीज कोना उत्पादन होइ छै आ नीक उत्पादन केना कऽ भऽ सकैत छै, ताहि सम्बन्धमे से अपने सबके पुनः जानकारी दऽ रहल छी। आ हमरा सङ्गे छथि केन्द्रीय तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रके प्राविधिक बीरबल चौधरी जी। तऽ पुनः अपने सबके कोबीके खेती केना कैल जाए ताहि सम्बन्धमे चर्चा करै छी। तऽ ई कोबीके जे छै बीज केना कऽ उत्पादन होइ छै आ की छै एकर जे छै नीक उत्पादन भऽ सकै छै, खास कऽ कऽ काठमाडौँ पहाड़ी क्षेत्रमे मात्र नहि तराईके क्षेत्रमे मधेशके क्षेत्रमे जे छै से नीक उत्पादनके लेल की कयल जा सकै छै, कोन तरहके बीज नीक रहतै? बहुत बढ़िआँ बात। ई बीआ जे छै से हमरा सबके खुमल जापू कहै छै, जे लोकलमे अन्तर्गत आबै छै, लोकल चीज स्वदगरो बढ़िआँ होइ छै आ कम समयमे उत्पादनो बढ़िआँ दए रहल छै। ताहि दुआरे अगर उत्पादनके लेल सबसँ पहिले फाउंडेशन बीआ जे छै हमरा सबके नाकसँ लाबै छियै, ओहिठामसँ लाबिके तकर बाद एकरा एकटा नर्सरी बनाए कऽ नर्सरीमे बिछन उमारै छियै, जन्माबै छियै, तकर बाद मुख्य प्लॉटमे फर्स्ट क्लास एकरा जोतिके मल खाद मिलाके तकर बाद एकरा डैंग बनाके आ तऽ प्लास्टिकसँ मल्चिंग करिके तऽ ओहि मल्चिंगमे हमरा सबके की छै से मतलब पुआल पाड़ै छियै, भुंगरा करै छियै, जेनाकि देख रहल छियै जे ओहि भुंगरा सबमे गाछ जन्मल छै। तऽ एकर लेल तऽ सबसँ पहिले तऽ आब माटि जेना छै तहिना तऽ ई जे छै से नहि बेसी लेटे नहि बेसी अगाड़ी होइ छै, ताहि दुआरे दोमट माटिमे बढ़िआँ होइ छै आ ताहिसँ माटि तैयार करिके मल खाद दए कऽ सब ठीक कयल गेल छै आ एकरा से करीब 60 सेंटीमीटरके फर्कमे हमसब रोपने छियै आ रोपलाके बादमे समय समयमे आवश्यकता अनुसार जेना हमरा सबके मल्चिंग कयल छै तऽ मल्चिंग कयलामे एहिमे छै से ओतेक झाड़ नहि आबै छै, लेकिन समय समयमे पानि दै लए पड़ै छै आ अखन तकमे रोग कीड़ाके तहन हमरा सबके अखन समस्यो नहि देखा पड़ल छै, हल्का कि एक बेर लाही देखने रहियै तऽ हमरा सबके लाहीके लेल विषादी सेहो छाड़ने छलै। तऽ आम किसान सबके लेल जे छै कोबीके खेती करऽमे कोन जातिक बीजके प्रयोग करतै तऽ तराई मधेशके क्षेत्रमे कोबीके उत्पादन बेसी भऽ सकै छै? बहुत बढ़िआँ बात। तऽ कोबीके बात जे छै से तीनटा चीज वेराइटी खास करके देखल जाइ छै, एकटा अगाड़ी होइवला, एकटा बीचमे होइवला, एकटा पछाड़ी होइवला। तऽ अगाड़ी अखनका युगमे जे पछाड़ी होइवला जतेक कोबी होइ छै ने खाइ लए सुअदगरो होइ छै, लेकिन बेसी दिन ओकरा टाइम लागै छै एहिके लेल, है ना। तऽ अखन आदमी की छै से कम समयमे बेसीसँ बेसी केना हम ढोआ कमा ली ताहिमे जोर दै छै, ताहि दुआरे अगिला जाति होइके चाही। तऽ अगिला जातिके लेल जेनाकि सिल्वर कप होइ छै, सिल्वर मून होइ छै, ई सब जे लगेलाके 60 दिनके भीतरमे ओ सब काटिके खरिहानके सब खतम करि दै छै, बेच बिकिन लै छै। आ ई जे छै से ओहिसँ कनि बेसी दिनमे होइ छै, जेना खुमल जाबू तराइओमे हेतै फर्स्ट क्लास, तऽ एकर छै से बीआ उत्पादन करिके बेना एहन फर्स्ट क्लास मल खाद जे सिफारिश कयल छै ओहि अनुसार दए कऽ एकरा रोपलासँ बढ़िआँ हेतै आ रोपलाके बादमे बीच बीचमे सेहो देखय पड़तै। एकर छै से दूरी तऽ उएह छै जे 60 सेंटीमीटर कहली, 60 सेंटीमीटरके दूरीमे फर्क फर्स्ट क्लास लगाएल जेतै आ मल खाद तऽ माटिके हकमे रहलै जे एकरा छै से दोमट माटिमे सबसँ बढ़िआँ हेतै। तऽ दोमट माटिके लेल ओ माटिमे उर्वरक माटि रहैके चाही, ओहिमे प्रशस्त प्रांगणिक पदार्थ रहैके चाही, कम्पोस्टमे जतेक बेसी देबै ओतेक बढ़िआँ उत्पादन देतै। आ दोसर ताहि दुआरे कम्पोस्टिंगमे बेसी जोर दै लए पड़लै। पानिके मात्रा सबके केहन रहबाक चाही? पानिके मात्रा तऽ समय अनुसार, जेनाकि आब सूखा समय छै तऽ पटक पटक पानि दै लए पड़तै आ जेनाकि आब समय समय आब जेनाकि हमरा सबके मल्चिंग कयल छै तऽ एक बेर दै छै तऽ 7 दिन से लए कऽ 15 दिन तक हमरा सबके आवश्यकता नहि पड़ै छै। आ जाहिसँ कि बेसी गरम छै आ जगह उनके बलौटे किस्मके छै, बलौटे दोमट किस्मके छै तऽ पटक पटक पानि दै लए पड़तै, आओर चिमटियालो किस्मके माटि छै तऽ जल्दी जल्दी पानि दै लए पड़तै आवश्यकता अनुसार, ओहिठाम देखिके ओहिठाम जगहके प्रकृति देखिके मात्रे पानि देल जेतै। आओर बेसी पानि दए देबै ओहोमे ओ कोबीके खराब करतै, जेनाकि कनि कोबी रोपिए पटक पटक पानि बेसी दए दियौ, मात्रा कमे दियौ लेकिन पटक पटक दियौ तऽ ओ ठीक रहै छै। आओर रोपलिए ओकरा बेसी पानि दए दियौ तऽ ओहिमे की छै ओकर जैसे माटि या से निकलल रहै छै, जड़ रहै छै, ओहिसँ की छै चारू बड़ासँ करिया घेरा जगह देखबै कारी कारी भए जाइ छै, ओकरा डेफू जेना कहै छै ओ बीआ ओहिठाम मरि जाइ छै। ताहि दुआरे कमे पानि चाही, पानि पटक पटक चाही लेकिन कम पानि चाही, बेसी पानि देबै तऽ ओहो खराबे करतै। तऽ अहाँ किसान सबके लेल जे छै से कोन बीजके प्रयोग करै लए बेसीसँ बेसी कहै छियै? सबसँ बेसी तऽ आब देखियौ, एक तऽ सबसँ पहिले जकरा बलौटे दोमर किस्मके माटि छै ओकरा लेल अगाड़ी होइवला जाति प्रयोग कयल जाए, ताकि कम समयमे ओहि समयमे भावो बेसी रहै छै तऽ ओ जातिके प्रयोग कयल जाए, ताकि बेसी ओकरा पैसाके फायदा हेतै। तकर बाद मध्यम जाति छै जाहिमे दोमट माटि छै ओहिठाम लगेबै, जेनाकि जापू भेलै, काठमाण्डू लोकल भेलै, अगहनी भेलै, ई सब लगाएल जा तऽ बेसीसँ बेसी उत्पादन देतै आ समयमे बेच लेतै। तकर बाद भी रहलै जे पछोटे जाति जेनाकि स्नोमेस्टिक भेलै, ई सब जे छै से मतलब
बेसी दिन टाइम लै छै आ डबलो होइ छै, तऽ डबलो होइ छै ओहि टाइममे भावो कम हेतै तऽ तोहर अनुसार किछु ओकरा मेकअप भए जेतै। ताहि दुआरे ई चीजके जाननाइ जरूरी छै। एकर लेल छै जाहिठामके किसान हम जतऽ काज छियै ओहि शिकायत सेवा केन्द्रमे हमर कृषिके साथी सब रहै छै, प्राविधिक सब रहै छै, हुनका सबसँ सर सलाह करिके अगर हम एहिठाम कोन लगेबै, कोन जाति लगेबै, कतऽसँ ई बिया लाबै, हुनका सबसँ सलाह करिके अगर ओ साथी कृषक साथी सब अगर अगाडि बढ़ै तऽ हुनका सबके बेसी बेसी फायदा। दिन भरि ज्यालादारी करैत कमाओल पैसासँ परिवारके पेट पालऽवला गरीब मजदूर तरकारी खेती करय लागलासँ ओकर सबक जीवनयापन सहज भऽ सकैत अछि। भिनसरसँ साँझ धरि सब महाजनके मजदूरी कए कमाओल पैसासँ घर परिवारके खर्च चलेबाक लेल कठिनाइ होइत आयल भेलासँ अपनेसँ जँ तरकारी खेती कयल जाय तऽ तरकारी उत्पादन कए सेहो नीक आमदनी कयल जा सकैत अछि। अपन जीवनमे खेती कयल आलू, मुरई, बन्धाकोबी, साग, भिंडी, बैगन लगातार तरकारी खेती कयलासँ नीक आमदनी होइत आ जीवन स्तरमे सेहो पैघ परिवर्तन आबि सकैत अछि। हमर नाम भेल धनवीर महतो, इनरवा साबिक गाविसँ इनरवा वार्ड नंबर 2, हालके अहाँके 5 नंबर जे है से बनल रही भगवानपुर। अहाँके एहिठिना की छै, हमरा सबके सिंचाईके बहुत आवश्यक छै। अहाँके एहिमे की जे है से एहिठिना सुविधा जे है से कृषि सेवासँ जे है से उपलब्ध नहि भऽ रहल छै। अहाँके कोनो भी सुविधा आबै छै तऽ हमरो आओरके एहिठिना जानकारी नहि होइ छै। जेना एहिठिना समूह बनेने छियै तऽ आओर अन्य समूह सबके जे छै से ओ अहाँके लऽ लै छै, हमरो आओरके नहि दै छै। एहि अवस्थामे अत्ते एहिठिना तरकारी उत्पादन छै इनरवा कोरियानी वार्ड नंबर 2 ओहिठिनाके अपेक्षामे अहाँके भगवानपुरमे पूरा मार्केटमे तरकारी पुगा रहल छी हमसब। एहिठिना सिंचाईके जे छै आवश्यकता बहुत छै, ताहिमे की जे छै एहिठिना लाइन जे छै ट्रांसफार्मरके आवश्यक छै अहाँके, तकर बाद भऽ गेलै जे छै ठाँव ठाँवमे अहाँके पोलके आवश्यकता छै, तकर बाद अहाँके जे छै अलग अलगमे अहाँके कृषि रोडके से अभाव छै। अहाँके चौरीमे अहाँके तरकारीके आनैके जे से रास्ता नहि भेट रहल छै, हमसब जे है से माथापर बोकिके जे है से आनि रहल छियै। ताहि लऽ कऽ हमरा सबके एकटा जे है से उपलब्ध जे है से चौरीमे रोडके बहुत आवश्यकता छै। सीधा अहाँके ग्रैविल जे है से होना चाही, बाजारके जे है से बाजार व्यवस्थापन होना चाही, बाजारमे लऽ जाइके लागि जे है से अखन अहाँके जे है से एहिसँ पहिने हमरा सबके जे है से पड़ल छलै गे एकटा अहाँके जे है से बोर्डिंग जे है से लेने छलियै, ओ राहतवलामे अहाँके देने छलै। आब जे है से अखन एहिसँ पहिने आओर भरलियै तऽ नहि पड़लै अहाँके, तऽ हमसब माँग कयने छलियै अहाँके जे है से एकटा ट्रांसफार्मर चाही, जे है से एहिठिना तरकारी बेसी उत्पादन होइ छै, वोल्टेजके कनि अभाव भऽ जाइ छै, तऽ हमरा सबके चोरीमे जे है से पोलके बहुत आवश्यकता छै एहिठिना, कहैत हमसब जे छै। तरकारीके व्यवसायिक खेतीसँ सामान्य कृषि मजदूरके पहिने जेहन दोसर लग हाथ मुँह जोड़बाक समस्या नहि रहि जायत। जिला विकास कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय आदिसँ विस्तृत जानकारी लैत विशेष रूपसँ खेती करबाकमे सहयोगी होयत। उन्नत बीज बीजन आ परामर्शमे तरकारीके व्यवसायिक खेती कयलासँ कृषक सबके अत्यधिक लाभ भऽ सकैत अछि। सब्जी उपजेबाक लेल विभिन्न तरकारी तरीका आ ओहिसँ होबयवला लाभके सम्बन्धमे सेहो अपने सबके जानकारी दऽ रहल छी। तरकारी किया उपजाबैत छी, तरकारी उपजेबाक तरीका सब की भऽ सकैत अछि, कोन कोन बात पर निर्भर करैत अछि तरकारीके खेती, एहि तरहक बहुतो प्रश्न दिमागमे एनाइ एकटा साधारण बात अछि। एकर हल सेहो सरल आ वैज्ञानिक रूपमे भेट जाय तऽ बात आसानीसँ बुझऽमे अबैत अछि। जेना अपना लग खेतीके साधन कथी सब अछि, हम अपनेसँ खेत आ खेती दुनूके प्रबन्ध कोन तरहसँ कऽ सकैत छी, एहन सबटा कामके निर्णायक बनेबाक लेल अपन व्यवस्था केहन होयबाक चाही से सोचक लेल जरूरी होइत अछि। खेतीके बाद अपना सङ्गे उचित बाजार सुविधा अछि आ कि नहि, एहन 4 आधार अछि तरकारी खेती करबाक लेल। एकरा ध्यानमे रखैत हम तरकारी खेतीके मुख्यतः 2 श्रेणीमे बाँटि सकैत छी। गेहूँके बीउ अनलियै जे है से दोकानमे से एनएल जे है से 297, ओ अहाँके भऽ गेलै छोटकी गहूँम, एहिमे ओ गहूँम अहाँके डेढ़िया भऽ गेलै, उत्पादन बहुत कम देलकै, तकर अहाँके जे है से लागत नहि भेटलै हमरा सबके किसान सबके, ओ जे है से उपजामे बहुत कम भऽ गेलै। एहि लऽ कऽ जे हमरा आओरके किसान मारल गेलियै जे है से कोनो भी बीउ आनै छियै तऽ ओहिमे जे है से उन्नत जातके नहि होइ छै, कृषि ऑफिससँ जे है से सुविधा नहि भेट रहल छै। अपन आवश्यकताक लेल किचनमे या बगीचामे सेहो खेती कऽ सकै छी सामान्य रूपमे छोट मोट तरीकासँ।
रोजी रोटी के लिए आर्जित करवाक लेल व्यावसायिक खेती एक अलग विषय से एक दूटा श्रेणी में देखल जा सकते यही दू मुख्य श्रेणी के अतिरिक्त से खेती करवाक लेल अन्य आवश्यकता बढ़ सकते जेना हम पैसा कमा सकें से यदि उचित प्रबंध हो तखने व्यक्ति निक लाभ लऽ सकैत अछि एहन साधन के अतिरिक्त व्यक्ति के निजी दक्षता पर सेहो निर्भर करैत अछि यदि सरोवर अर्थात पोखरि तालाब आदि के उपलब्ध होय तऽ एहि के ऊपर में सेहो तरकारी खेती कयल जा सकैत अछि जाहिसँ सेहो नीक पैदावार भऽ सकैत अछि नीक उपज भऽ सकैत अछि किछु व्यक्ति अपन खेत में सेहो उत्पन्न तरकारी के रूप में नहि बेच कऽ ओकरा स्टोर कऽ कऽ रखैत अछि और एकटा एहन प्रकार अछि सब्जी उत्पादक के लेल जे केवल परीक्षण एवं संसाधन के लेल मात्र सब्जी के तरकारी के खेती करैत अछि उचित मौसम में तऽ सब सब्जी उपजा लेत अछि मुदा बेमौसम में तरकारी उपजौनाइ आ उहो नीक तरह से आर्थिक लाभ लऽ कऽ ताहि के लेल जे छै से अलग अलग विषय वस्तु पर विचार केनाइ जरूरी होइत अछि जेना भिंडी बैगन के खेती कोना कयल जाय भिंडी के लेल मौसम आ जमीन के तैयारी सेहो बहुत उपयुक्त आ महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि गर्म मौसम में भिंडी के उपज बेसी होइत अछि एकर पैदावार के लेल एकटा लंबा आ गर्म नमी वाला मौसम के आवश्यकता होइत अछि भिंडी बरसात में बेसी आ भिंडी के लेल जे छै से 20 डिग्री तापक्रम सँ कम में राखल जाय तऽ उत्पादन बेसी होइत अछि आ ओहिसँ बेसी लाभ लेल जाय देखल गेल अछि मुदा जमीन में उपयुक्त भुरभुरी जकाँ अथवा बालुई मिट्टी नहि रहला पर ओहन में उपज कम होइत अछि तेजाबी जमीन के लेल सेहो उपयुक्त तरकारी के खेती के रूप में भिंडी के लेल जा सकैत अछि भिंडी के उन्नत जाति सँ विभिन्न देश में समतल भूमि में या पहाड़ी क्षेत्र में सेहो नीक उपज होइत अछि एकरा विषाणु रोग सेहो सहन करय के क्षमता बृहद रूप में देखल जाइत अछि आ ओहन विषाणु छेदक फल छेदक जीव सब जे होइ छै तकरा सबके सेहो सहैत अछि एकर पैकिंग के लेल सेहो नीक फसल के रूप में मानल जा सकैत अछि एकर औसत पैदावार 55 क्विंटल प्रति एकड़ के रूप में देखल गेल अछि एकर जैसे खास कऽ कऽ मार्च सँ लऽ कऽ जून जुलाई के बीच में एकर फसल करी तऽ बड़ा नीक मानल जाइत अछि साउन में सेहो एकर उत्पादन बढ़िया होइत अछि एकर औसत पैदावार के लेल 45 क्विंटल एकर में नीक उपज कऽ सकैत छी भिंडी के बीज बोय के समय में एकर नीक सँ व्यवस्थापन कयला पर क्यारी बना कऽ रोपला पर आ पानि जे छै से समय समय पर एकर क्यारी में अयला पर ओहन में उपज बढ़ैत अछि तऽ दर्शकवृन्द आजुक कार्यक्रम केहन लागल सलाह सुझाव आ प्रतिक्रियाक लेल सम्पर्क कऽ सकैत छी madeshdarpan2017@gmail.com पर तऽ आजुक कार्यक्रमसँ सब गोटा सङ्ग हमरो दिअ विदा बेस तऽ नमस्कार जय कृषि जय किसान समृद्ध मधेश नेपालक शान देखैत रहू कृषि टेलीविजन